अकाउंटिंग नो प्रॉब्लम में आपका स्वागत है। मैं हूं आरती। दोस्तों, ये वीडियो उन लोगों के लिए है जो अभी tally.erp9 उपयोग कर रहे हैं, यानी जिनके कंप्यूटर में अभी tally.erp9 इंस्टॉल्ड है और भविष्य में वो टैली प्राइम का उपयोग करना चाहते हैं। आज के इस वीडियो में हम आपको टैली प्राइम में tally.erp9 के एग्जिस्टिंग लाइसेंस को रीएक्टिवेट करने के बारे में बताएंगे। उसके लिए सबसे पहले आपको टैली प्राइम डाउनलोड और इंस्टॉल करना होगा। टैली प्राइम को डाउनलोड और इंस्टॉल करना हम आपको पहले ही बता चुके हैं और इस वीडियो की लिंक भी हमने नीचे डिस्क्रिप्शन में दी है। आगे बढ़ने से पहले हम आपको टैली प्राइम के लाइसेंस के बारे में कुछ जरूरी जानकारी दे देते हैं। पहली बात, यदि आपके पास tally.erp9 का लाइसेंस्ड वर्जन है, मतलब आपने tally.erp9 का लाइसेंस खरीदा हुआ है और आपका टैली का जो सब्सक्रिप्शन है वो वैलिड है, यानी टैली सॉफ्टवेयर सर्विसेज, जिसे शॉर्ट में TSS भी कहते हैं, वो आपने लिया हुआ है, तो टैली प्राइम के लिए आपको कोई अतिरिक्त शुल्क नहीं देना होगा। आप फ्री में tally.erp9 से टैली प्राइम में अपग्रेड कर सकते हैं। दूसरी बात, यदि आपके पास tally.erp9 का लाइसेंस्ड वर्जन तो है पर आपने टैली का सब्सक्रिप्शन रिन्यू नहीं करवाया है, यानी टैली सॉफ्टवेयर सर्विसेज नहीं ली हुई है, तो आपको उसका सब्सक्रिप्शन चार्ज देकर रिन्यू करवाना होगा, तभी आप उस लाइसेंस को टैली प्राइम में यूज कर पाएंगे। तीसरी बात ये कि यदि आपके पास लाइसेंस्ड टैली नहीं है तो आपको टैली प्राइम खरीदना होगा, और नया लाइसेंस कैसे एक्टिवेट करते हैं ये हम आपको इसके पहले वाली वीडियो में बता चुके हैं। चौथी बात, इन सब के अलावा यदि आप टैली प्राइम को सीखना चाहते हैं तो आप इसके एजुकेशनल वर्जन का उपयोग कर सकते हैं, ये बिल्कुल निशुल्क यानी फ्री रहता है। चलिए अब शुरू करते हैं आज का अध्याय। हमारे पास tally.erp9 सिल्वर लाइसेंस पहले से ही था और अभी हमने उसका TSS भी रिन्यू करवा लिया है। आइए अब देखते हैं कि tally.erp9 के एग्जिस्टिंग लाइसेंस को टैली प्राइम में कैसे रीएक्टिवेट करते हैं। जैसे ही हम टैली प्राइम स्टार्ट करते हैं तो सबसे पहले लाइसेंस की स्क्रीन दिखाई देती है। यहाँ पर आपको लाइसेंस से संबंधित चार ऑप्शंस दिखाई देते हैं। पहला है कंटिन्यू इन एजुकेशनल मोड। यदि आप टैली प्राइम खरीदने से पहले इसे ट्राई करना चाहते हैं या फिर इस प्रोडक्ट का उपयोग कैसे करें ये सीखना चाहते हैं तो आप इसके एजुकेशनल वर्जन का निःशुल्क यानी फ्री उपयोग कर सकते हैं। यहाँ पर एक बात का ध्यान रखें कि इसमें टैली प्राइम की सारी सुविधाएं तो मिलती हैं पर इसमें काम केवल 3 ही तारीखों में कर सकते हैं, और वो है 1, 2 और 31। दूसरा ऑप्शन है यूज लाइसेंस फ्रॉम नेटवर्क। इसकी सहायता से आप टैली का मल्टी यूजर यानी कि गोल्ड वर्जन, जिसमें हम एक ही समय पर सर्वर की सहायता से कई कंप्यूटर उपयोग कर सकते हैं, उसके एग्जिस्टिंग लाइसेंस को रीएक्टिवेट कर सकते हैं। तीसरा ऑप्शन है रीएक्टिवेट एग्जिस्टिंग लाइसेंस। यदि आपके पास पहले से ही सिंगल यूजर यानी सिल्वर लाइसेंस है तो उसे इस ऑप्शन की मदद से आप रीएक्टिवेट कर सकते हैं। चौथा और आखिरी ऑप्शन है एक्टिवेट न्यू लाइसेंस। यदि आपने टैली प्राइम का नया मल्टी यूजर यानी गोल्ड लाइसेंस या सिंगल यूजर यानी सिल्वर लाइसेंस खरीदा है तो उसे एक्टिवेट न्यू लाइसेंस की मदद से एक्टिवेट कर सकते हैं। हम अपने tally.erp9 के एग्जिस्टिंग लाइसेंस को टैली प्राइम में रीएक्टिवेट करना चाहते हैं तो उसके लिए यहाँ पर रीएक्टिवेट एग्जिस्टिंग लाइसेंस पर माउस से क्लिक करें या फिर R की को प्रेस करें। जैसे ही हम रीएक्टिवेट एग्जिस्टिंग लाइसेंस को सिलेक्ट करते हैं हमारे सामने एक मैसेज आएगा जिसमें लिखा होगा यू नीड एडमिनिस्ट्रेटर राइट्स टू परफॉर्म दिस एक्शन, यानी आपको इस एक्शन को करने के लिए एडमिनिस्ट्रेटर राइट्स की जरूरत है, और इसी के नीचे लिखा है डू यू वॉन्ट टू रीस्टार्ट टैली प्राइम विद एडमिनिस्ट्रेटर राइट्स, यानी क्या आप एडमिनिस्ट्रेटर्स राइट्स के साथ टैली प्राइम को रीस्टार्ट करना चाहते हैं। आप यस को माउस से सिलेक्ट करें या फिर एंटर प्रेस करें। ऐसा करते ही इस तरह का मैसेज दिखाई देगा जिसमें आपसे परमिशन मांगी जा रही है। यस पर क्लिक करें। ऐसा करते ही टैली रीस्टार्ट होगा। जैसे ही टैली रीस्टार्ट होगा हमारे सामने रीएक्टिवेट लाइसेंस की स्क्रीन दिखाई देगी जिसमें कि tally.net ID और tally.net पासवर्ड
पूछा जाएगा। tally.net आईडी के सामने आपको अपना टैली में रजिस्टर्ड ईमेल आईडी टाइप करना होगा, और यदि आप ये भूल गए हों तो इसे आप अपने टैली सप्लायर से संपर्क करके ले सकते हैं। ईमेल आईडी टाइप करने के बाद यहाँ tally.net पासवर्ड टाइप करना होगा। ध्यान रखें, आपके ईमेल आईडी और पासवर्ड दोनों ही सही होना चाहिए, तभी आप लाइसेंस रीएक्टिवेट कर पाएंगे। और यदि आप पासवर्ड भूल गए हैं तो रीसेट पासवर्ड पर क्लिक करें। ऐसा करते ही रीसेट पासवर्ड की पॉपअप विंडो आएगी, जिसमें tally.net आईडी में आपका रजिस्टर्ड ईमेल आईडी दिखाई पड़ेगा, और अगर ना दिखाई पड़े तो आप उसे टाइप कर सकते हैं और उसके बाद आगे बढ़ने के लिए एंटर प्रेस करें। ऐसा करते ही टैली की ओर से आपके रजिस्टर्ड ईमेल आईडी पर एक लिंक भेज दी जाएगी। हम अपना ईमेल ओपन करके देख रहे हैं। ये देखिए, इसमें टैली की ओर से एक ईमेल प्राप्त हुआ है। हम इस मेल पर क्लिक कर रहे हैं। यहाँ पर एक लिंक दिखाई पड़ रही है। अब हम इस लिंक पर क्लिक कर रहे हैं। लिंक पर क्लिक करते ही रीसेट माई पासवर्ड वाली विंडो ओपन हो गई है, जिसमें ऊपर हमारा tally.net आईडी दिखाई दे रहा है और उसके नीचे न्यू पासवर्ड वाला ब्लैंक फील्ड दिखाई दे रहा है। इसमें हम जो भी पासवर्ड बनाना चाहते हैं वो हमें टाइप करना होगा। ध्यान रखें, पासवर्ड कम से कम 5 कैरेक्टर्स का होना चाहिए। पासवर्ड टाइप करने के बाद उसे कंफर्म करने के लिए यहाँ पर दोबारा से टाइप करेंगे और अब नए पासवर्ड को सेव करने के लिए चेंज पर क्लिक कर देंगे। क्लिक करते ही एक पॉपअप आया है जिसमें पूछा जा रहा है आर यू श्योर, मतलब क्या आप निश्चित हैं। आगे बढ़ने के लिए हम ओके पर क्लिक कर रहे हैं। ऐसा करते ही पासवर्ड रीसेट हो गया है। चलिए अब हम वापस टैली पर चलते हैं और यहां पर अब अपना नया पासवर्ड टाइप कर देते हैं। अब एंटर प्रेस करेंगे। ऐसा करते ही लाइसेंस को सरेंडर और रीएक्टिवेट करने के लिए मैसेज आ जाएगा। यस के लिए एंटर प्रेस करें या माउस से यस पर क्लिक करें। हम इसको रीएक्टिवेट करना चाहते हैं, इसलिए यस पर क्लिक करेंगे। ऐसा करते ही लाइसेंस सफलतापूर्वक रीएक्टिवेट हो गया है और इस तरह का मैसेज आ जाएगा। आगे बढ़ने के लिए एंटर प्रेस करें। एंटर प्रेस करते ही माइग्रेट कंपनी डेटा स्क्रीन दिखाई देगी, जिसमें एक कंपनी को माइग्रेट करने के लिए पूछा जा रहा है। अभी हम इस कंपनी को माइग्रेट नहीं करना चाहते हैं, इसलिए एस्केप की प्रेस कर रहे हैं। एस्केप की प्रेस करते ही देखिए सिलेक्ट कंपनी की स्क्रीन दिखाई दे रही है। इसमें हमने टैली ईआरपी 9 में जितनी भी कंपनियां बनाई हैं उनके नाम और नंबर दिखाई पड़ रहे हैं, साथ ही माइग्रेशन रिक्वायर्ड भी लिखा हुआ है। इन कंपनियों को टैली प्राइम में चालू करने के लिए हमें इन्हें माइग्रेट करना होगा। किसी कंपनी को माइग्रेट कैसे करते हैं ये हम आपको अगली वीडियो में बताएंगे। आज के लिए बस इतना ही। धन्यवाद।